मेरा नाम अर्जुन सिंह, विधायक वेस्ट बंगाल तृणमूल कांग्रेस। सर कहाँ से हैं? मैं वेस्ट बंगाल से। सर भोपाल कैसे आना हुआ आपको और किस सिलसिले में आया? भोपाल आना हुआ हमारे सचिन जी के निर्देश पर, पार्टी तृणमूल कांग्रेस के संप्रसारण के लिए, पार्टी को मध्य प्रदेश में मजबूती देने के लिए, संगठन खड़ा करने के लिए माननीय नेत्री हमारी ममता बनर्जी जी, जो सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस की नेत्री हैं, उनके निर्देशानुसार पूरे भारतवर्ष में हम लोग पार्टी के संगठन को खड़ा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में भोपाल आना हुआ। उनका भी आना था? नहीं, ममता बनर्जी जी का अभी तो हमारा यहाँ इनिशियल स्टेज है, हम अभी संगठन खड़ा करेंगे, कोई बड़ी रैली जब करेंगे तो ममता बनर्जी जी आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो हम राज्य के हमारे कन्वेनर हमने सचिन जी को बनाया है और तमाम जो जिला है, प्रखंड है, ब्लॉक है, तमाम इकाइयों को अध्यक्ष बनाकर पार्टी को संगठन मजबूत करते हुए सांगठनिक ढांचा को सबसे पहले तैयार करेंगे। उसके बाद आने वाले चुनाव में हम अपनी दावेदारी पेश करेंगे, चुनाव में उतरेंगे और बहुत ही मजबूती से उतरने की हमारी इच्छा है। हमारी पार्टी की, हमारे नेत्री ममता बनर्जी की, क्योंकि भारतवर्ष की राजनीति में जो परिस्थिति चल रहा है, एक फासिस्टवादी ताकत पूरे हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर भारतवर्ष के लोगों को आपस में तोड़ के रखती है। हर चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना, हिंदू मुसलमान को आपस में तोड़ना, जिस तरह से अंग्रेजों ने भारतवर्ष में शासन किया सिर्फ डिवाइडर को, उसी तरह ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार जो है, वो पूरे भारतवर्ष में हिंदू और मुसलमान दो समुदाय को मेजोरिटी और माइनॉरिटी के नाम पर बांट कर हमारा चुनाव फायदा। देखिए लाइनों के आपके इस क्षेत्र में लोगों की भावनाओं, लोगों के अधिकार हैं उसको लोगों के सामने लाना, सरकार के सामने लाना, गवर्नमेंट जो गलत काम कर रही है उसको लोगों के सामने उजागर करना, ये लाइफ ओके जो टीवी माध्यम के माध्यम से आप जो कर रहे हैं।